माएं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही माँ की है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार कि वो अपने बेटे के प्यार में दीवानी हो जाती है। आज मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू भोजन की खोज में मुंह अंधेरे ही निकले थे। कुकू बहुत खुश था क्योंकि वो आज दूर जा रहे थे। मम्मा जल्दी आए, देखें मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। मेरा बेटा तो अभी जवान है और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों माँ बेटा जंगल के बाहरी हिस्से में पहुँच जाते हैं। पास में ही इंसानों की बस्ती भी थी, इसलिए वो थोड़ा दूर ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा यहाँ तो भोजन नहीं है। हाँ बेटा, ऐसा कई बार होता है, हमें लंबा सफर करने के बाद भी भोजन नहीं मिलता। मगर आप चिंता ना करें, जो हमारे भाग्य में होगा हमें मिल जाएगा। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि एक पत्थर गोली की तरह आता है और चिड़िया के बेटे के सर में लगता है। शायद ये छोटे बच्चों की खेल थी जिसने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया था। कुकू दूसरी सांस नहीं लेता और वही मर जाता है। मम्मा चिड़िया खुद को संभाल ही नहीं पाती। ये सब इतनी अचानक हुआ था, मम्मा चिड़िया कुछ भी नहीं कर पाती। कुकू कुकू मेरे बेटे, क्या हुआ है आपको? उठो मेरी जान, मुझसे बात करें, अभी तो आप मुझसे बातें कर रहे थे, इतनी जल्दी क्या हो गया है आपको? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, मगर अब उसका बेटा कहाँ बोलने वाला था। वो अपनी मम्मा को छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। रोती हुई मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को उठाकर घर की तरफ वापस उड़ती है। कितनी खुशियों से बातें करते हुए वो माँ बेटा आए थे और अब जाते समय मम्मा चिड़िया की दुनिया ही उजड़ चुकी थी, वो अकेली रह गई थी। मम्मा चिड़िया की सारी खुशियाँ चंद लम्हों में उससे छिन गई थी। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है, वो अपने बेटे को साथ ही उठाए हुए थी। चिड़िया, क्या हुआ है आपके बेटे को और ये खून कहाँ से आया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना होने देती। मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा था कि अचानक गिर गया और खून निकलने लगा। पति जी, कुकू तो मर गया है। नहीं नहीं लूसी बहन, ऐसा ना कहे, थोड़ी सी चोट आई है मेरे बेटे के, ठीक हो जाएगा। बस आप मेरे बेटे से कहे मुझसे बात करे, पहले भी तो कई बार मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाता है, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चिड़िया बहन, प्रकृति को मान लो, कुकू अब कभी नहीं बोलेगा। इसके शरीर में तो एक कतरा भी खून का नहीं बचा, ये मर गया है। मैं आपके पास आई थी कि आप मेरे बेटे को समझाएंगे और मेरा बेटा मान जाएगा, मगर आपको तो खुद पता नहीं चला कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा बढ़ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को साथ लेकर अपने घर में पहुँच जाती है। कुकू प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दे, जो हुआ मुझे माफ कर दे। कहीं कहीं कबूतर की बात? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो स्वस्थ था, मुझसे बातें कर रहा था। कुकू कुकू मेरे बेटे, उठो मुझसे बात करो। कालू, लग रहा है चिड़िया रो रही है, चलो तो जाकर देखें चिड़िया को क्या हुआ है।
चिड़िया आज अपने बेटे के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। जो पक्षी भी इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है, रोता हुआ ही वापस आता है। फिर गौरी और उसका पति चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गई हो। मेरा कुकू मुझसे बात नहीं कर रहा। आप ही कुकू से पूछे, ये मुझसे क्यों नाराज हो गया है। कालू, क्या तुम देख रहे हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुकू अब कभी नहीं बोलेगा। चिड़िया मेरी बहन, आपका बेटा तो मरा हुआ है, ये सब कैसे हुआ? मैं इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी अपने बेटे को साथ लेकर। वहाँ न जाने क्या हुआ। गौरी, मैं ना कहता था कि इंसानों की बस्ती की तरफ जो जाता है वो रोता हुआ ही वापस आता है। चिड़िया बहन, अब आप सो जाएं, चुप कर जाएं। कल शाम तक आपका बेटा आपसे बोलने लगेगा। कालू, चलो, चिड़िया बहुत सदमे में है, ये अभी नहीं समझेगी। फिर चिड़िया और कौवा अपने घर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया सारी रात अपने बेटे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती है। मम्मा, मुझे ढूंढ ले, मैं छुप जाऊं। कुकू मेरे बेटे, ऐसा ना करो, आपकी मम्मा का दिल बहुत छोटा है, आपकी मम्मा मर जाएगी, मेरी जान मेरे सामने आ जाए। मैं हार गई मेरी जान। मम्मा हार गई। डर कर मम्मा चिड़िया की आँख खुल जाती है और सपना टूट जाता है। सुबह हो गई थी और कुछ खाए पिए बिना मम्मा चिड़िया फिर से अपने बेटे को साथ लेकर उड़ती है। मैं अपने कुकू को आज झरने पर लेकर जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, झरने पर जाकर तो मेरा बेटा जरूर बोलेगा। मेरा बेटा अपनी मम्मा से सुलह कर लेगा। ऐसा सोचते हुए मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को उठाकर झरने पर चली जाती है और बड़े प्यार से उसे एक पत्थर पर रखकर उससे बातें करने लगती है। मेरी सोनीता को फूल में लपेट कर नदी में बहाना। सोनीता के पापा, क्या आप फूल ले आए हैं? हाँ, मैं फूल ले आया हूँ। मेरी सोनीता को फूल बहुत पसंद थे ना? लो, मैंने अपनी सोनीता को हमेशा हमेशा के लिए फूलों में लपेट दिया। अब चलें। फिर मम्मा और पापा तितली अपनी सोनीता तितली को उठाकर झरने पर जाते हैं। आज रात मम्मा तितली की बेटी सोनीता बुखार से मर गई थी और मम्मा तितली अपनी बेटी को फूलों में लपेट कर नदी में बहाने ले जा रही थी। झरने पर पहुँच कर मम्मा तितली और पापा तितली अपनी बेटी को बड़े प्यार से झरने के पानी में बहा देते हैं। मम्मा चिड़िया बैठी बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी और फिर वो मम्मा तितली और पापा तितली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। ये क्या हुआ? आपने अपनी बेटी को नदी में क्यों बहा दिया और वो भी फूलों में लपेट कर? मेरी बेटी रात को मर गई थी, उसे तेज बुखार था, इसलिए हम अपनी बेटी को नदी में बहाने आए थे। क्या आप भी अपने बेटे को नदी में बहाने के लिए लाए हैं? ये सुनकर मम्मा चिड़िया थोड़ी देर चुप करती है और फिर रोते हुए बोलती है। हाँ, मैं भी ऐसा ही करने आई हूँ। क्या आप मेरे बेटे को भी ऐसे ही फूलों में लपेट देंगी जैसे आपने अपनी बेटी को फूलों में लपेटा था? मैं करता हूँ, मैं आपके बेटे को फूलों में लपेट देता हूँ।
फिर पापा तितली कुछ फूल तोड़कर चिड़िया के बेटे को फूलों में लपेट देता है और मम्मा चिड़िया अपने पंखों से अपने बेटे को तेज आती हुई नदी में बहा देती है। आपको देखकर मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है और आप मुझे देखें, सुनीता के पापा को देखें। जिंदगी रुकती नहीं है, हमें जीना होता है। इन सब दुखों के साथ, इन सब गमों के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। मैंने स्वीकार कर लिया, मैं समझ गई, मैं मान गई कि मेरा बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। चले, अब शाम होने वाली है। और फिर डूबते सूरज के साथ मम्मा चिड़िया और दोनों तितलियाँ वापिस उड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा से प्यार करें, पल पल खुशियों भरा गुजारें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब बिछड़ जाना है। किसी ने पहले तो किसी